गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ये पिंक ग्लिटर आई मेकअप लुक। अगर आप कोई भी इवनिंग फंक्शन में जा रहे हो या फिर पार्टी में जा रहे हो तो ये लुक ज़रूर ट्राई करें। पिंक आई मेकअप लुक सभी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। ये है बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का प्रोफेशनल प्राइमर। प्राइमर को मैं इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स प्रोफेशनल मेकअप का अवेवी ग्लो लिक्विड बूस्टर। इसे मैं इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये एक लिक्विड इल्यूमिनेटर है। इसे लगाने से आपके फेस पर ग्लोइंग इफेक्ट आएगा। इसे आप हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ब्रॉन्जर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये 3 शेड्स में अवेलेबल है। मैंने ये पिंक टोन यूज़ किया है जो मेरी आई मेकअप से मैच होगा और मुझे एक पिंक ग्लो देगा। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स प्रोफेशनल मेकअप का कांट स्टॉप वोन स्टॉप फाउंडेशन। इसके कुछ ड्रॉप्स में मेरे हाथ पे इस तरह से लूँगी और फिंगर टिप की मदद से इसे मैं डॉट्स बनाते हुए पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। अब वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ये फाउंडेशन मैट फिनिश देता है। ये फुल कवरेज है और ये लॉन्ग स्टे करता है। ये आपके फेस के एक्ने डार्क स्पॉट्स को बहुत ही आसानी से कवर कर लेगा। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसे ब्लेंड कर लेने के बाद नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। इसे मैं अंडर आई एरियाज पर लगाऊंगी और जहां भी मुझे हाईलाइट करना है उसी जगह पर मैं ये कंसीलर यूज करूंगी। कंसीलर को अप्लाई कर लेने के बाद मैं सेम वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फेस कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स के कॉन्टोर स्टिक। ये कॉन्टोर स्टिक बहुत ही क्रीमी और इजीली ब्लेंडेबल है। इसे मैं मेरे फेस पर जहाँ भी मुझे शेप देना है मैं अप्लाई कर लूँगी। कॉन्टोरिंग की मदद से आप अपने फेस के फीचर्स को शार्प दिखा सकते हो, नोज़ को शेप दे सकते हो। अगर आपको डबल चिन का प्रॉब्लम है तो उससे भी आप कम कर सकते हो। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यूज़ करूँगी निक्स प्रोफेशनल मेकअप का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और इसे मैं पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का काब्राउ जेल है। इसकी मदद से मैं मेरी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी और एक अच्छा सा शेप दे दूँगी। इसे आपको हल्के हाथों से अप्लाई करना है। जहाँ पर भी आपकी आईब्रोज में आपको गैप नज़र आती है आपको इस आईब्रो जेल की मदद से उसे फिल करना है। मैंने दूसरी साइड की आईब्रो भी फिल कर ली है। आई मेकअप के लिए मैं सिग्मा ब्यूटी की इंचांटेड आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट शेड यूज़ करूँगी। इसकी मदद से मैं मेरी क्रीज लाइन को डिफाइन करूँगी। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद नेक्स्ट मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ और इसे भी मैं अपनी क्रीज लाइन पे ही अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे आपका मेकअप उतने ही अच्छे से ऊपर के आएगा। अब कंसीलर की मदद से मैं मेरी आई लिड के इनर कॉर्नर को क्लीन करूँगी जहाँ पर मैं पिंक ग्लिटर आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। ऐसा करने से आप जो भी आई शेडो कलर यूज़ करने वाले हो बहुत ही क्लियर दिखेगा। अब मैं ये पिंक आई शेडो मेरी फिंगर टिप की मदद से आई लिड पर अप्लाई करूँगी जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया है। ये पिंक शिमरी आई शेडो है और इसके अंदर थोड़े ग्लिटर्स भी है। मैं ये शेड लूँगी और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन में और आईज़ के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ये डार्क शेड लूँगी और इसे मैं आईज़ के आउटर कॉर्नर में अप्लाई करके स्मोकी इफेक्ट दूँगी।
अब ये दोनों शेड्स को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूंगी। आईलाइनर के लिए मैं सिग्मा ब्यूटी की लिक्विड पेन आईलाइनर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये निक्स प्रोफेशनल मेकअप की वर्थ द हाइप मस्कारा यूज करूंगी। ये मेरी फेवरेट मस्कारा है। ये आपके लैशेस को लेंथनिंग करती है और वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट देती है। मस्कारा को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूंगी। मैंने ऑफ कैमरा फेक आई लैशेस अप्लाई की है। अगर आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। काजल के लिए मैं शुगर कॉस्मेटिक्स की काजल यूज करूंगी। ये स्मच प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग काजल है। ये निक्स प्रोफेशनल मेकअप की बॉर्न टू ग्लो हाइलाइटिंग पैलेट है। इसमें आपको 6 हाइलाइटिंग शेड्स मिल जाएंगे। हाइलाइटर की मदद से मैं ब्राउ बोन्स और आईज के इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट करूंगी। ब्लश के लिए मैं एस्टेल ऑर्डर का ब्लश यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट पिंक शेड पे है। ये मेरे लुक के साथ बहुत ही मैच कर रहा है, इसलिए मैंने ये शेड सिलेक्ट किया है। ब्लश को मैंने मेरे दोनों चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसमें से मैं ये शेड लूंगी जिससे मैं मेरे फेस और नोज को हाईलाइट करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं ये सिग्मा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है जो ये मेकअप के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय।